नॉस्ट वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन थ्री द इलेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकंड टर्म एंड तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया जो भी आपको फाइंड करना है पहले आप उस चीज को देखो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे सॉल्व करो तो आपको यहां फाइंड करना है term यहां पे करना है. तो टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एंड

आपको ए और डी नहीं गिवन है तो उसको फाइंड करने के लिए आपको दो कंडीशन दी होगी तो फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पे दी हुई है कि टर्म टर्म ऑफ ऑफ एन इज हाफ तो एक इक्वेशन आपको यहां से बनानी है तो जो आपने लीनियर यहाँ पे चैप्टर पढ़ा था लीनियर वेरिएबल वाला दो वेरिएबल वाली जो तो हमने इक्वेशन बनाई थी तो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल वो तो एक इक्वेशन आपकी वहां से बन जाएगी ए और डी में और दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से बन जाएगी कि इलेवन टर्म एक्सीड्स वन थर्ड ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय वन तो एक इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी ए और डी में दूसरी इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी ए और डी में और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ए और डी मिल जाएगा और वो ए और डी हम इसमें पुट करके और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे यानी फिफ्टीन टर्म को हम यहाँ पे फाइन कर लेंगे So let a be the first term and d be common difference of an ap

भी, भी नहीं पता बट हम इस इक्वेशन के अंदर अब इसको इक्वेशन बनानी हमें बना तो हम है? एक, एक लेते, एक एक लेते हैं तो दैट इज एट यानी एन की जगह एट पुट करो तो ए एट इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस एन की जगह हमने एट रखा एट माइनस वन इन टू डी तो यानी कि ये हो गया आपका क्या हो गया ए प्लस सेवन डी हो गया एट माइनस वन ये क्या हो गया आपका सेवन डी हो गया फिर अब आप यहाँ पे देखो आपका सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म आपकी यहाँ पे हो जाएगी एन तो तो की जगह टू रखो तो ए प्लस एन की जगह रखना टू माइनस वन टू डी तो यानी कि सेकेंड टर्म आपकी यहाँ पे हो गई ए प्लस टू माइनस वन वन होता है तो डी हो गया अब ये दोनों इसमें पुट कर लो तो एट टर्म आपकी कितनी आ रही है ए प्लस सेवन डी इक्वल टू सेकेंड टर्म सेकंड टर्म आपकी आ रही है यहाँ पे ए प्लस डी डिवाइडेड बाई टू हाफ इसका करना था हाफ कर दिया अब इसको सॉल्व करते हैं टू को इधर लेके चले जाओ तो टू यहाँ डिवाइड में था इस तरफ मल्टीप्लाई में चला गया तो ए प्लस सेवन डी के मल्टीप्लाई में हो गया इक्वल में ए प्लस डी नाव टू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो टू इन टू ए टू ए प्लस टू इंटू सेवन ये हो गया फोर्टीन डी इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं तो ये प्लस का ए इधर आया तो माइनस का ए हो गया प्लस का डी इधर आया तो माइनस का डी हो गया ओके okay, अब टू ए में से वन ए गया तो ओनली ए बचा टू टू में से टू माइनस वन वन हो जाएगा तो ओनली ए बचा फिर फोर्टीन डी में से वन डी गया तो थर्टीन डी बचा लेकिन साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि फोर्टीन बड़ा है तो हम यहाँ से ए की वैल्यू ले सकते हैं ए का कोई कॉफिशन नहीं है तो हम इसको यहाँ ऐसे ले सकते हैं ए इक्वल टू माइनस का थर्टीन डी हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई ओके नाउ सेकंड कंडीशन अब आपके यहाँ पे क्या है कि टर्म टर्म ऑफ इट्स बाय तो आपको यहां पे क्या कहा है कि जो भी इलेवेंथ टर्म है वो थर्ड टर्म का आप वन फोर्थ करोगे उससे वन ज्यादा है यानी कि यहाँ पे देखो दो चीज तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो एक तो आप यहाँ पे ये यह कर सकते हो कि इससे मेरी समझने वाली बात हमारी यहाँ हो रही है कि इलेवेंथ टर्म यानी ए इलेवन क्वल टू फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म का वन थर्ड यानी कि इंटू वन बाय थ्री कर दो इंटू वन बाय थ्री करो या डिवाइड बाय थ्री कर दो ए फोर का हाफ था हाफ तो टू से डिवाइड किया वन थर्ड तो थ्री से डिवाइड किया प्लस वन ओके तो जो भी आपकी ए फोर four या फोर्थ टर्म है उसका आप वन थर्ड करते हो उससे वन एक्सीड कर हो उससे वन ज्यादा है तो हमने यहां पे ये यह ऐड कर लिया या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे वन है दो तरीके से आप इसको देख सकते हो कि इलेवेंथ टर्म और ये जो जो भी फोर्थ टर्म का वन थर्ड है उनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे वन है फिर से देखो इलेवेंथ टर्म एक्सीड्स वन थर्ड ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय वन यानी कि दोनों का ये जो इलेवंथ टर्म है ये वन थर्ड टर्म जो भी है वन थर्ड के जो फोर्थ टर्म का जो वन थर्ड है जो भी है उससे वन एक्सीड कर रही है एक्सीड कर रही है मतलब एक ज्यादा है तो हमने दोनों का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे वन होगा ओके और ये ज्यादा है तो हम वन को इधर ऐड कर देंगे एक्सीड कर रही है ना ये पहले से ही ज्यादा है तो हमने बैलेंस करने के लिए इसको इधर एड कर दिया तो नाउ अब यहाँ पे देखो एंड अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था तो इलेवंथ टर्म इक्वल टू वन थर्ड और फोर्थ टर्म प्लस वन इलेवन टर्म को ए इलेवन लिख लिया और फोर्थ टर्म को हमने ए फोर लिख लिया ना हम डायरेक्ट इसको अलग अलग नहीं सॉल्व करते ए इलेवन तो, तो यहाँ पे एन इक्वल टू हम इलेवन पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस इलेवन एन माइनस वन तो इलेवन माइनस वन इंट डी इक्वल टू वन थर्ड और ए फोर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन फोर माइनस वन डी प्लस वन हो गया ओके okay? तो जैसे हम यहाँ पे टू को डायरेक्ट लेके चले जाते ना यहाँ लेके जा सके यहाँ पे ये यह प्लस वन है ना तो इसके साथ तो थ्री है नहीं डिनोमिनेटर में तो ये आपका डायरेक्ट नहीं जाएगा आपको यहाँ पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि वन यहाँ थ्री से इसके डिवाइड में इसके डिवाइड में नहीं अगर कॉमन डिवाइड में होता है तब भी हम जैसे ए और डी दोनों के डिवाइड में तो ये उधर चला गया ये पूरी जितनी भी टर्म है सबके डिवाइड में थ्री होगा तभी ये उधर जाएगा तो पहले लिख हैं ए प्लस इलेवन आपका यहाँ पे हो गया टेन और ये आपका यहाँ पे हो गया ए प्लस फोर तो थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस समझ में आ रहा है तो ये इस तरह से है तो इसीलिए जाएगा। अगर आपको सिंपल करना है तो पहले प्लस वन को उधर लेके चल जाओ बाद में इस थ्री को मल्टीप्लाई कर दो। ये आप यहाँ पे कर सकते हो या फिर आप यहां का एल्सियम ले लो दोनों टर्म में और उसके बाद आप थ्री को उधर शिफ्ट कर सकते हो तो मेरे लिए तो पहले वन को ले जाके, फिर को ले जाना ज्यादा ईजी है तो मैं वैसे ले जाती हूँ जितनी भी टर्म सबके थ्री आपका इजीली उधर जा सकता है, तो ये अब थ्री मल्टिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा a प्लस टेन डी माइनस वन के मल्टीप्लाई में चला गया थ्री ये बच गया a प्लस थ्री डी तो नाउ थ्री इंटू ए थ्री ए प्लस टेन इंटू थ्री थर्टी डी हो गया माइनस थ्री इंटू वन थ्री इक्वल टू ए प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे थ्री डी हो गया तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पहले इन दोनों टर्म को हम उधर ले जाते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा थ्री ए प्लस थर्टी डी माइनस थ्री प्लस का है उधर गया माइनस का है प्लस का थ्री डी उधर जाके माइनस का थ्री डी हो गया इक्वल टू जीरो तो अब आप यहाँ पे देखो थ्री ए में से जिसका जिसका वेरिएबल जिसके साथ है ए को ए से डी को डी से नंबर को नंबर से सॉल्व करना है तो ये आपका हो गया थ्री ए में से वन ए गया यानी थ्री माइनस वन टू हो गया ए एज इट इज रह गया फिर थर्टी दी और ये थ्री डी ए थर्टी में से थ्री गया तो ये आपका यहाँ पे बचा ट्वेंटी सेवन डी लेकिन साइन आपका प्लस का आएगा क्योंकि थर्टी बड़ा है फिर माइनस थ्री आपका यहाँ तो सॉल्व की थी, वहां से हमें A में था इनको सॉल्व करके टू से, से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करने से अच्छा ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेती हूँ तो फर्स्ट कर देते फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ पे क्या करते हैं ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टू ए की जगह रखा हमने माइनस का थर्टीन डी तो ये टू ए की जगह माइनस थर्टीन डी प्लस ट्वेंटी सेवन डी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो नाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाए तो प्लस माइनस माइनस थर्टीन इन टू टू ये हो गया आपका ट्वेंटी सिक्स डी फिर प्लस ट्वेंटी सेवन डी माइनस थ्री इक्वल में जीरो प्लस माइनस माइनस होगा ट्वेंटी सेवन में से ट्वेंटी सिक्स गया तो वन बचा तो वन लिखने की जरूरत नहीं ओनली डायरेक्ट डी लिख लो और साइन आएगा प्लस का क्योंकि ट्वेंटी सेवन बढ़ा है तो डी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है तो दिस इंप्लायज डी इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ गया थ्री आ गया

माइनस का थर्टी नाइन और डी इक्वल टू कितना है डी इक्वल टू आपका यहाँ से आ रहा है थ्री अब हमने ए और जो हमें एक्चुअल में फाइंड करना था फिफ्टीन टर्म फिफ्टीन टर्म के लिए हमारे पास ए था सॉरी एन था ए और डी हमें चाहिए थे ए और डी अब हमने फाइंड कर लिए अब हम फिफ्टीन टर्म फाइंड कर सकते हैं तो नाउ फिफ्टीन टर्म Equal to, उसको हम A 15, एन की 15 पुट कर हैं, तो ए प्लस वन इन टू डी तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस फोर्टीन डी नाव ए की वैल्यू पुट करो ए आपका कितना है माइनस का थर्टी नाइन प्लस फोर्टीन डी कितना है आपका थ्री हो गया तो माइनस का थर्टी नाइन प्लस फोर्टीन इन थ्री तो ये हो गया फोर्टी टू ओके Now, इनको सॉल्व करो प्लस माइनस माइनस 42 में से 39 गया तो यहाँ पे थ्री बचा साइन आएगा आपका पॉजिटिव क्योंकि 42 बड़ा है तो हैंस फिफ्टींथ टर्म आपकी यहाँ से क्या हो गई थ्री तो हैंस फिफ्टीन टर्म ऑफ देर एपी इज थर्ड थर्ड यानी सॉरी थ्री फिफ्टीन टर्म जो इसकी हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे थ्री हो जाएगी फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ से क्या आ रही है कितनी आ रही है फर्स्ट टर्म माइनस का थर्टी नाइन है कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे थ्री है और फिफ्टीन टर्म आपकी यहाँ पे थ्री आ रही है तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट आपको ये जो इक्वेशन है इनको अच्छे से पढ़ के और ये ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी ये प्लस वन किस में ऐड होगा ये कैसे इक्वेशन बनेगी अगर यहाँ पर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आपका आंसर यहाँ पे राइट नहीं आएगा ओके तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया थैंक यू